टेंथ क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, तो ये कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, अवर टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर अपने पास कौन सा होता था? हमारे पास प्लेन मिरर होता था जो एकदम सीधा हो, ठीक है, जिसका रेडियस इनफाइनाइट हो। देखिए कैसे, हमारे पास इस तरह से एक ग्लास है, हमने इसको पीछे पॉलिश किया और फिर पेंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? प्लेन मिरर बन गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका रेडियस इनफाइनाइट होता है क्योंकि अगर हम इसको सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, इनफाइनाइट, या फिर हम कहेंगे बनेगा ही नहीं। तो इसको हम बोलते हैं इसका रेडियस कितना है, इनफाइनाइट है। ओके, तो जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से, उनकी कुछ खास बातें हैं कि पहली बात, वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल का मतलब रियल नहीं होगी, उसमें रेज रियल में मीट नहीं करती, ठीक है। दूसरा, इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब सीधी, जैसे हम अपने आप को सीधा देखते हैं वैसे की वैसे उसमें इमेज भी सीधी ही बनेगी। ऐसा कभी हुआ आप शीशे में अपने आप को देखो पैर ऊपर दिखाई दे से नीचे? ऐसा नहीं होता। अगर आप शीर्षासन कर रहे हो तो अलग बात है, ठीक है। तो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। तीसरी इसकी खास बात है, वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है जो हिस्सा राइट में है वो लेफ्ट में दिखेगा और जो लेफ्ट में है वो राइट में दिखेगा। जैसे हमारे जो हाथ है दोनों के दोनों, ये लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। इसको हम बोलते हैं एक दूसरे की मिरर इमेज, ठीक है। ये इसका जो है यहाँ पर हमें ऐसा दिख रहा है, दीज आर लेटरली इन्वर्टेड। ओके, तो लेटरली इन्वर्टेड होती है, ये इसकी तीसरी खास बात है। और सेम डिस्टेंस, सेम साइज, इसका साइज और डिस्टेंस सेम होता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मिरर से है 5 सेंटीमीटर दूर, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहीं पर बनेगी। और ये भी कितना डिस्टेंस होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, रेज इसमें इधर जाएगी, तो नॉर्मल हम ऐसे बनाएंगे तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ऐसे चली जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक रे इधर से निकाल देते हैं, ये इधर चली जाएगी, तो ये रेज देखो दूर जा रही है, लेकिन हमें ऐसा क्या लगेगा, हमें लगेगा कि ये रेज ऐसे पीछे की तरफ मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं कि एक तो वर्चुअल, एक इरेक्ट, एक लेटरली इन्वर्टेड और दूसरा सेम साइज, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि हमने यहाँ पर ऐसे अपने पास मिरर है, हमने यहाँ पी रख दिया, ठीक है, और इस पी को हमने रखा है 2 सेंटीमीटर दूर, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? तो इसकी इमेज जो बनेगी, इसकी इमेज बनेगी इस तरह से, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 2 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, साइज इन दोनों का सेम होगा, ये दोनों साइज अपने सेम होते हैं, ये हमने इसको इधर से पॉलिश कर रखा है, ठीक है। इस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं प्लेन मिरर की, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कि मान लीजिए हमारे पास एक की जगह 2 मिरर है, ठीक है, वी हैव 2 मिरर्स। तो आपको इसमें बताना है कि कितनी इमेजेस बनती है। जैसे कि हमारे पास एक मिरर ऐसे है, एक ऐसे है, और दोनों आपस में पैरेलल हैं। इस तरह से हमने इसको यहाँ पेंट कर रखा है, इस तरह से पेंट कर रखा है। तो इन दोनों के बीच में मान लीजिए मैंने ये डिस्टेंस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, दिस इज़ 2। इस तरह से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल 2 मिरर्स के सेंटर में रखा है, ठीक है। दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हो गया, और ये बिल्कुल सेंटर में रखा है, तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा जाता है कि इसकी पहली इमेज कहाँ बनती है। मान लीजिए दिस इज़ M1, मिरर नंबर 1, दिस इज़ मिरर नंबर 2। ओके, तो हम एक ही रे लेते हैं, इससे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने ऐसे लिया और ये उधर जाएगी वैसे, और हमें क्या लगेगा कि ये इस तरफ आ रही है, तो ये यहाँ पर इसकी इमेज बन गई। और ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमने देखा है कि डिस्टेंस दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं I1, इमेज नंबर 1, 4 मिरर 1, पहले मिरर के लिए पहली इमेज, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी एक इमेज बनेगी, दिस इज I2, I1 फॉर मिरर नंबर 2, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो जब भी हमारे पास ऐसे 2 मिरर होते हैं तो उसके अंदर भी हम इसी तरीके से इमेज फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि 2 मिरर्स अगर पैरेलल हो तो दोनों में कितनी इमेज बनती है, तो इसका आंसर आता है इनफाइनाइट।
बहुत सारी इमेज बनती है, ऐसा आपने सैलून्स में देखा है। सैलून में जब हम होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर दो शीशे लगे होते हैं आगे पीछे, और पहले वाले के अंदर हमें इमेज दिखती है, दूसरे वाले के अंदर दिखती है, और इमेज की इमेज हमें दिखाई देती है, ठीक है ना, शीशे के अंदर होती है वो। तो इस तरह से अब हम उनको देखते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करें। अभी हम करते हैं, दो मिरर अगर पैरेलल रखे हों और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो तो इमेज का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। देखिए हमें पता है कि जैसे मान लेते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास इस तरह से दो मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर हमने कहीं पे इसके ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि ये पूरा डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, और इसको फिर बराबर ले लेते हैं थोड़ा सा, और ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। कैसा मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। तो इसके अंदर बताइए कितनी इमेजेस बनेगी, तो इमेजेस तो उतनी ही बनेगी हमारे पास, कितनी, इन्फाइनेट ही बनेगी। तो इन्फाइनेट इमेज अब कैसे बनाते हैं, यहाँ से हम एक रे निकालते हैं, ठीक है, मान लेते हैं दिस इज़ मिरर नंबर 1, दिस इज़ मिरर नंबर 2, ओके। तो यहाँ इसकी ये लाइन होगी, प्रिंसिपल एक्सिस यू कैन से, ये रे ऐसे जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, ओके, ये रे उधर गई। अच्छा, ये रे हमें लगेगा ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर हमारे पास इमेज 1 बन गई, पहले वाली इमेज बन गई, ठीक है। अब इसकी वजह से यहाँ पर भी तो एक इमेज बनेगी, तो हम यहाँ से एक रे ले लेते हैं, और ये कुछ ऐसे बनेगी, दिस इज़ इमेज नंबर 1 सेकेंड मिरर के लिए, और रियलिटी में ये रे उस तरह इधर गई होगी, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, इस तरह से ये रेज जाएंगी। अब हमारे पास ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये यहाँ टकरा रही है, तो यहाँ से टकराने के बाद उधर जाएगी, ठीक है, तो इसका मतलब इधर आएगी, हमें तो ऐसा लगेगा। इसकी वजह से यहाँ पर दूसरी इमेज बन गई। ये दूसरी इमेज किसकी वजह से बनी है, तो ये बनी है इस रे की वजह से, और ये रे कहाँ से आ रही है, इमेज नंबर 1 से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मिरर नंबर 2 की फर्स्ट इमेज है उसकी वजह से मिरर नंबर 1 पे सेकंड इमेज बन रही है, ठीक है। यानी कि इसकी जो फर्स्ट इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी सेकंड मिरर के लिए, ठीक है, फर्स्ट मिरर के लिए। सेकंड मिरर की पहली इमेज फर्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, जिसकी वजह से इमेज बनेगी। देखो, सबसे पहली इमेज किसकी वजह से बनी, ऑब्जेक्ट की वजह से। दूसरी इमेज किसकी वजह से बनी, फर्स्ट इमेज की वजह से, और इसकी वजह से भी यहाँ पर एक इमेज बनेगी। ये देखो, ये एक रे आ रही है, तो यहाँ पर इसकी वजह से भी एक दूसरी इमेज बनेगी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये वाला डिस्टेंस इतना ही होगा जितना ये है, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस ये होगा 2 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि I2 ये वाला डिस्टेंस कितना होगा ऑब्जेक्ट से, तो हमसे ये वाला डिस्टेंस पूछ लिया जाए, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा या फिर ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको देखिए, हमारे पास यहाँ पर इमेज कहाँ है, ये है। अच्छा, ये वाली इमेज बन किसकी वजह से रही है, I2 किसकी वजह से बन रही है, तो इसकी रे को फॉलो करते हैं, ये बन रही है I1 की वजह से, I1 की वजह से वो इमेज बन रही है। तो हमें ये पता है कि इमेज का डिस्टेंस जो है, जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा ना I2 के लिए, तो ये जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है इस मिरर से, क्या मुझे ये डिस्टेंस पता है पूरा, तो हाँ बिल्कुल पता है। कितना है ये, 1 और 2 3 और 2 5, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस भी कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, ओके। देखने में इक्वल नहीं लग रहे, लेकिन इक्वल है, क्योंकि देखो डायग्राम हमने रफ बनाया ना, इसलिए ऐसा हमें लग रहा है। फिर से देखते हैं इसको, हमारे पास ये इमेज है, ये वाली इमेज इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। मान लो ये वाला मिरर नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करती, उसकी वजह से वहाँ इमेज बन रही है। तो हमने क्या सीखा था कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज भी बनती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये डिस्टेंस कितना आया, 5 सेंटीमीटर आया। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अगर ये वाला जो इमेज हमारे पास बन रही है, ठीक है, I2 जो इमेज बन रही है मिरर 1 के अंदर, ठीक है, क्या इसकी वजह से इस मिरर में कोई इमेज बनेगी, तो आंसर है यस, बिल्कुल बनेगी।
तो हमें पूछा गया है कि जो इसकी वजह से यहाँ पर इमेज बनेगी वो कौन से नंबर की इमेज होगी। तो ध्यान से देखते हैं, पहली इमेज जो थी उसने दूसरी इमेज बनाई, ठीक है। पहले वाली इमेज किसकी वजह से बनती है? ऑब्जेक्ट की वजह से। जो सेकंड नंबर की इमेज होती है वो किसकी वजह से बनती है? वो फर्स्ट इमेज की वजह से बनती है, ठीक है। इसको हम इस तरह से करते हैं कि जो फर्स्ट इमेज है वो किसकी वजह से बनी? ऑब्जेक्ट की वजह से, ठीक है। जो सेकंड इमेज है वो किसकी वजह से बनी? फर्स्ट इमेज की वजह से। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 4M1, मिरर वन की बात करते हैं, ठीक है। तो मिरर वन के लिए फर्स्ट इमेज किसकी वजह से बनी? ऑब्जेक्ट की वजह से। सेकंड इमेज किसकी वजह से बनी? फर्स्ट इमेज ऑफ M2, ठीक है। उसी तरह से इसकी थर्ड इमेज किसकी वजह से बनेगी? वो बनेगी सेकंड इमेज ऑफ M2। उसी तरह से इसकी फोर्थ इमेज किसकी वजह से बनेगी? थर्ड इमेज ऑफ M2, ठीक है। क्या इसका वाइस वर्सा भी सच होगा? ठीक है, अगर हम इसको बात करते हैं M1 के लिए तो हमने किया अभी, M2 के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फर्स्ट इमेज तो ऑब्जेक्ट की वजह से बन रही है, इसकी सेकंड इमेज किसकी वजह से बनेगी? फर्स्ट इमेज ऑफ M1। उसकी थर्ड इमेज किसकी वजह से बनेगी? सेकेंड इमेज ऑफ M1, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इसकी इमेजेस बनती है। चलिए इसको एक और एग्जांपल से करते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसको देखते हैं हम। देखिए हमारे पास क्या है, दो मिरर दे रखे हैं। लेट से दिस इज M1, लेट से दिस इज M2, ओके। तो आपसे पूछा जाता है कि मुझे बताओ कि फर्स्ट इमेज ऑफ M2 कहाँ बनेगी, M2 की फर्स्ट इमेज कहाँ बनेगी। तो ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट इमेज बन जाएगी, ओके। उसी तरह से M1 की फर्स्ट इमेज कहाँ बनेगी, तो M1 की फर्स्ट इमेज बनेगी ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर पे है यहाँ पर, ठीक है। हुआ क्या होगा, इस तरह से एक लाइट की रे गई, ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह से एक लाइट की रे गई होगी, ठीक है। अब ये एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन हमें क्या लगेगा कि ये ऐसे जा रही है, वर्चुअल इमेज ऐसे ही बनती है, ठीक है। दूसरी रे आप लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं, दो रेज हमें चाहिए वैसे इमेज फॉर्मेशन के लिए, लेकिन समझने के लिए हम एक रे से समझ सकते हैं, ओके। इसी तरह से इसकी दूसरी रे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग तो उधर जाएगी, लेकिन हमें क्या लगेगा कि वो ऐसे पास हो रही है, ठीक है। अब अगर ये मिरर ना होता, M1 ना होता, तो इमेज नंबर वन जो है वो ऑब्जेक्ट, ऐसे तो इमेज नंबर वन बनती ही नहीं, या फिर हम इसको ऐसे कहते हैं कि अगर ये मिरर नंबर वन ना होता और ऑब्जेक्ट यहाँ की जगह यहाँ रखा होता तो क्या उसकी वजह से इमेज बनती? तो आंसर है बिल्कुल बनती। वो इमेज कितना दूर जाके बनती? तो हमें पता है ये डिस्टेंस है 3 और ये डिस्टेंस है 5, तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया? 8। तो इमेज और मिरर के बीच में डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए? 8 ही होना चाहिए। यानी कि ये रे जब उस तरफ जाएगी ऐसे रिफ्लेक्ट होकर, हमें लगेगा कि ये इस तरफ आ रही है और इसकी वजह से यहाँ पर I2 बनेगी, और इस I2 का डिस्टेंस कितना होगा? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर ये वाला मिरर ना होता, M2 ना होता, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते तो ये डिस्टेंस कितना हो जाता? 5 और 2 7। तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से इस मिरर में इमेज बनती, तो वो इमेज कहाँ बनती? तो ये कितना है? 7। तो यहाँ पर भी कितना? 7। ये रे उधर जाती और इधर इसकी बन जाती I2, और ये डिस्टेंस कितना होता? 7, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता था कि ऑब्जेक्ट और फर्स्ट मिरर की सेकेंड इमेज का डिस्टेंस बताओ, तो ऑब्जेक्ट और फर्स्ट मिरर की सेकंड इमेज का ये डिस्टेंस कितना हो गया? तो 7 और 3 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इन मिरर वाले क्वेश्चंस को करते हैं। अच्छा आप बताइए कि क्या इसके अंदर और भी इमेज बन सकती है? तो हमें तो सिर्फ यहाँ पे दो ही दिखी हैं, तो आंसर है यस, इसमें इनफाइनाइट इमेज बनेगी। इनफाइनाइट कैसे बनेगी? क्योंकि हमने तो एक ही रे लिए, हो सकता है कितनी सारी रेज होती हैं? बहुत सारी होती है। हो सकता है एक रे बिल्कुल ऐसे इसके साथ साथ जा रही हो, ठीक है, इस तरह से। तो जितने ज़्यादा रिफ्लेक्शन होंगे उतनी ही ज़्यादा बनेगी, ठीक है, इमेज उतनी ज़्यादा बनेगी, ठीक है। हमें पता लगा कैसे निकाला है, ओके। अब इसका एक छोटा सा शॉर्टकट है, यू कैन से मिरर नंबर 1 और मिरर नंबर 2। मिरर नंबर 1 की पहली इमेज कहाँ बन रही है? 3 सेंटीमीटर पे। मिरर नंबर 2 की पहली इमेज कहाँ बन रही है? 2 सेंटीमीटर पे। मिरर नंबर 1 और 2 में डिस्टेंस कितना है? 5, ओके। तो अगर हम
इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिरर टू की सेकंड इमेज मिल जाती है, और उसी तरह से अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिरर वन की सेकंड इमेज मिल जाती है। देखिए हमने वही आंसर निकाला है, क्या मिरर टू की सेकंड इमेज 8 सेंटीमीटर पे थी, मिरर टू की सेकंड इमेज 8 सेंटीमीटर पे है। अच्छा उसी तरह से मुझे बताइए कि थर्ड वाली कहाँ बनेगी, तो थर्ड वाली का हमें लॉजिक पता लग गया, इसके अंदर जो है मिरर टू के अंदर थर्ड इमेज किसकी वजह से बनेगी, तो थर्ड इमेज बनेगी इस सेकेंड वाली की वजह से, यानी कि इस रे की वजह से बनेगी, ठीक है, उस रे की वजह से बनेगी। और उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो ये है 7 और 5, चलिए हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करते हैं, 7 और 5 12, ठीक है, ये 7 और 3 यहाँ तक नहीं, पूरा ये डिस्टेंस होगा ना ऑब्जेक्ट और मिरर का। तो अगला कितना आएगा, 7 और 5 12 सेंटीमीटर पे बनेगी, इसकी अगली इमेज कहाँ बनेगी, 8 और 5 13 सेंटीमीटर पे, उससे अगली इमेज कहाँ बनेगी, 12 और 5 17 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आप इमेज का डिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको हमने देखो लॉजिकली निकाला है, ऐसे हमने अलग से कोई वो तो निकाला नहीं है कि शॉर्टकट है ऐसे याद करना होगा, हमें इसका लॉजिक पता है कि कैसे हुआ, ठीक है, ओके। तो चलिए इसके एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए। अभी हमारे सामने 3 एग्जांपल्स हैं, एक बार हम इनको करते हैं देखने के लिए कि हाँ हमारा कॉन्सेप्ट हमें कहाँ तक क्लियर हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपने पास क्या है, ऐसे हमें 2 मिरर दे रखे हैं और दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। M1 M2 हमने गिवन है और इसने कहा है कि M1 से 5 सेंटीमीटर दूर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मिरर फ्रॉम इमेज, इमेज से मिरर का डिस्टेंस निकालना है, तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ 5th इमेज ऑफ M1 एंड M2, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 5th इमेज ऑफ M1 एंड M2। 5th इमेज का आपको डिस्टेंस बताना है कि पहले जो M1 की इमेज होगी 5वें नंबर की वो कितना दूर बनेगी, और M2 की जो 5वें नंबर की इमेज होगी वो कितना दूर बनेगी। तो हमारे पास तरीका क्या था, ये है हमारे पास M1, ये है M2, ठीक है। M1 की पहली इमेज कहाँ बनेगी, तो ये वाला 5 है तो इस तरफ भी 5 होना चाहिए, ठीक है। M1 की पहली इमेज बनी 5 सेंटीमीटर पे, M2 की पहली इमेज कितने पे बनी, 2 सेंटीमीटर पे, और M1 और M2 का डिस्टेंस कितना है, 7। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो 5 और 7 12, यहाँ पर ऐड करेंगे 7 और 2 9, ठीक है। फिर हम 12 के अंदर 7 ऐड करेंगे, 12 और 7 19, यहाँ पर हम 9 और 7 करेंगे तो 16, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर फिर से 7 को ऐड करेंगे, 19 और 7 होगा 26, और फिर यहाँ पर हम 16 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो 16 और 7 हो जाएगा 23, फिर हम 23 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो आएगा 30, और 26 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 33। तो फर्स्ट इमेज 5 सेंटीमीटर पे बनेगी, सेकंड इमेज 9, थर्ड 19, फोर्थ 23 और फिफ्थ इमेज 33 सेंटीमीटर पे बनेगी। तो M1 की पहली इमेज का डिस्टेंस कितना आया, 33 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाता कि M1 की पहली फिफ्थ इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितना आया, तो ये तो मिरर से था तो ऑब्जेक्ट से कितना हो जाएगा, 33 प्लस 5, ठीक है। उसी तरह से M2 की फिफ्थ इमेज का डिस्टेंस कितना आया मिरर से, 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट से कितना आया, 30 प्लस 2 32 सेंटीमीटर, ओके क्लियर हुआ। उसी तरह से जैसे हमारे पास यहाँ पर है M1, यहाँ पर है M2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बताओ फोर्थ इमेज ऑफ M1 एंड थर्ड इमेज ऑफ M2, ठीक है, इसका आपको रेशियो बताना है, कि आप इसका रेशियो बताओ कि M1 की जो फोर्थ इमेज होगी उसका डिस्टेंस और M2 की जो थर्ड इमेज होगी उसके डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करें, ठीक है, हमारे पास रूल था, सबसे पहले हम M1 M2 लिखते हैं, बीच में लाइन लगाते हैं और लाइन के ऊपर हम लिखते हैं दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस। M1 की पहली इमेज कहाँ बनेगी, तो ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दूर है तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर दूर हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से M2 से 3 हो जाएगी, तो इसकी इमेज बनेगी पहली 8 और 5 13, 3 और 8 11, 11 और 8 19, 21, 21 और 8 29, और 19 और 8 27, ठीक है। हमसे पूछा था कि M1 की फोर्थ इमेज 27 सेंटीमीटर, M2 की थर्ड इमेज 19 सेंटीमीटर, तो रेशियो कितना आया, 27:19,
ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसी तरह से अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मान लीजिए दिस इज़ अवर एम वन, दिस इज़ एम टू, और इसने पूछा है कि अपने से ये पूछ लेते हैं कि बताओ सेवन्थ इमेज ऑफ एम वन एंड लेट से सिक्स्थ इमेज ऑफ एम टू, ठीक है, हमें चेक करना है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, हमने इसके अंदर मैथ्स घुसा दिया, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हमें देखो निकालना क्या है, कुल मिलाकर सेवन्थ इमेज का डिस्टेंस निकालना है मिरर से और सिक्स्थ इमेज का एम टू का डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास तरीका वही है, एम वन एम टू, इसके बीच का डिस्टेंस है 10, और फर्स्ट वाली इमेज कहाँ बनेगी 4, दूसरी इसकी कहाँ बनेगी 6, 10 ऐड कीजिए 14, और उसके बाद 24, 34, 44, 54, 64, 74, ठीक है, और यहाँ पर आएगा अपने पास 6 और 10, 16, 26, 36, 46, 56, 66 और 76। तो सेवन्थ इमेज ऑफ M1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 66 आया इसका डिस्टेंस, 66 आया, और इसका सिक्स्थ इमेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका कितना आया 54 आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हमने आया 12, तो 12 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इन तीनों को एक बार नोट कर लीजिए। हमारे पास एक क्वेश्चन और है सामने कि एक ऑब्जेक्ट है, दो मिरर के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है 2 मीटर, और ऑब्जेक्ट को हमने एकदम 1 मीटर पे रख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि आपको बताना है इसमें कितनी इमेजेस बनेंगी। ठीक है, तो हमें दो पैरेलल मिरर दिखते ही सबसे पहले मन में ख्याल आता है कि इनफाइनाइट बनेगी, लेकिन नहीं, हमने जो डायग्राम्स किए थे, जो सबसे पहला हमने डायग्राम किया था क्वेश्चन समझने के लिए, पहले हम उसको देखते हैं। देखिए, हमने जो सबसे पहले किया था वो कुछ इस तरह से था। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, तो इससे रे टकरा कर इधर जाती थी, और वो इससे टकराती थी जिसकी वजह से यहाँ पर इमेज बनती थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से एक रे ऐसे गई, ठीक है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए वो उधर निकल गई। ठीक है, इसने यहाँ पर आकर इमेज बना दी I1, कितने पे, 1 मीटर पे बना दी। ठीक है, उसी तरह से इसने यहाँ से आई और यहाँ पर इधर गई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से, और यहाँ से इधर चली गई, यहाँ पर भी कितनी बनी 1 मीटर पे बनी। ठीक है, अब क्या ये वाली रे कभी इससे टकरा सकती है? आंसर है नहीं टकरा सकती। क्या ये वाली रे कभी इससे टकरा सकती है? नहीं टकरा सकती, क्योंकि लाइन रे हमेशा सीधी चलती है। आप इसको कितने भी एंगल पे ले लो, छोटे से छोटे एंगल पे ले लो, ये बिल्कुल छोटा सा एंगल, लेकिन ये जाएगी तो उधर ही, इससे तो दूर ही जा रही है ना, तो इसके अंदर हमें सिर्फ 2 इमेज मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर हमें सिर्फ 2 इमेज मिलती है। तो आपको डायग्राम्स का ध्यान रखना है, डायग्राम से आपको जल्दी क्लियर होता है। इट इज़ ओके, ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय इंक्लाइन मिरर। हमारे पास 2 मिरर हैं जो एक पर्टिकुलर एंगल पर एक दूसरे पे रखे हुए हैं, तो हमें बताना है उसमें कितनी इमेजेस बनती है। ठीक है, उसके लिए आपने हो सकता है 7th-8th class में फॉर्मूला पढ़ा हो 360 by theta -1 या 360 by theta, तो उसको एक बार हम थोड़ा सा लॉजिकली करके देखते हैं। देखिए, हमारे पास मान लेते हैं, एक एग्जांपल से लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये 2 मिरर है जो 90 डिग्री पे रखे हैं। ठीक है, सिमेट्री पे हमने रख दिया, सिमेट्री मतलब ये एकदम इसके एंगल बाइसेक्टर के ऊपर रखा है। ठीक है, एक स्क्वायर बन रहा है, ये डिस्टेंस भी x और ये डिस्टेंस भी x, ओके, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट की, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस मिरर के लिए भी इमेज बनाएगा और इस पर भी इमेज बनाएगा। ठीक है, हमने एक रे ऐसे ले ली, ठीक है, एक रे आ गई इधर और ये टकरा कर उधर चली जाएगी। ठीक है, हमें क्या लगेगा, ये इस तरफ आती हुई लगेगी, ठीक है ना, हमें इस तरफ आती हुई लगेगी और यहाँ पर हमें एक इमेज दिखाई देगी। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं इमेज नंबर 1, ओके, और ये डिस्टेंस कितना होगा, तो हमें पता है जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये होगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी आई, ये भी एक्स ही आई, ओके। अब क्या इधर से जाने वाली रे उस मिरर के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा? आंसर है नहीं आएगा, क्योंकि सारी की सारी रे तो उधर की उधर मुड़ गई, इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आया, ओके। अब हम यहाँ से एक रे और लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक रे ऐसे आई,
ठीक है, तो ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते उधर जाएगी, उधर जाएगी तो ये कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, और हमें क्या लगेगा इधर आ रही है तो इमेज वहीं बन रही है, ठीक है। अब ये यहाँ पर टकराई है तो ये उधर जाएगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से, जिसके से हमें क्या लगेगा कि ये इधर आ रही है, ठीक है, लगेगा हमें इस तरफ आ रही है। तो इसको हम थोड़ा सा सीधा बनाते हैं, ये एंगल दोनों आपस में इक्वल लगने चाहिए, तो एक मिनट, ये जो रे जाएगी वो ऐसे जाएगी, ठीक है, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होने चाहिए, और ये हमारे पास इधर वापस, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है जी, ओके। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे डॉट 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 करके बना देते हैं मिरर को ही, ठीक है। अच्छा, तो पहले वाले जो मिरर है हमारे पास, लेट से दिस इज़ M1 एंड दिस इज़ M2, तो हम इसको नाम दे देते हैं, यह है हमारे पास M1 एंड M2। तो M1 के बारे में हमें सभी रेज का पता चल गया कि कौन सी रे कैसे जाएगी, जो इधर है वो तो उधर की उधर निकल जाएगी, लेकिन जो इधर है वो रिफ्लेक्ट होकर अपना इफेक्ट दिखाएगी, ओके, इसमें कोई डाउट, ठीक है जी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या यहाँ से एक रे इधर आएगी, रेज तो आएंगी ही, ठीक है, और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू उधर चली जाएंगी, और इसकी वजह से यहाँ पर हमें ये एंगल इक्वल लगने चाहिए, तो ये उधर आएगी, और यहाँ पर एक हमें इमेज दिखाई देगी, लेट से दिस इज I2, और अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाला डिस्टेंस भी x ही होगा, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस भी x होगा, ओके। तो ये जो रे आ रही थी, इसने यहाँ पर एक इमेज बनाई, ठीक है, इसने यहाँ पर एक इमेज बनाई। अब इस ऑब्जेक्ट की वजह से जो ऊपर की तरफ रेज जाएंगे वो तो सारी की सारी उधर की उधर निकल लेंगी, लेकिन जो रे इस तरफ आएगी वो क्या इधर मुड़ेगी, तो आंसर है बिल्कुल मुड़ेगी। तो मान लेते हैं इधर ऐसे गई और वो ऐसे चली गई, और वो हमें क्या लगेगा इस तरफ आते हुए दिखाई देगी, ठीक है। यानी कि ये जो इमेज है ये दो वजह से बन रही है, पहला तो बन रही है मिरर वन की वजह से, और दूसरी बन रही है मिरर टू की वजह से। यानी कि ये जो इमेज है ये एक बार एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, और ये वाली जो इमेज बनी है ये भी एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रही है, और इन दोनों की पोजीशन क्या आ गई, सेम आ गई। ऐसा तब होता है जब हम इसको सिमेट्री पे रखते हैं। तो 1, 2 और 3 टोटल इमेजेस कितनी बनी, 3, और आपने सिमेट्री के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 360 by θ - 1, ठीक है। सिमेट्री मतलब अगर एंगल बाइसेक्टर पे रखा हो तो वैल्यू रख लेते हैं हम चाहें तो, 360 by θ - 1 तो कितना आया, 4 - 1 दैट इज़ 3। अभी भी हमारे पास 3 इमेज ही आई है, I1, I2 और I3, ठीक है, डायग्राम से भी हमें कंफर्म हो गया कि 3 इमेज ही आती है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट सिमेट्री की जगह कहीं और होता तो ये वाली इमेज जो है, जो दो इमेज बन रही थी, इन दोनों की वजह से जो इमेज बननी थी ना वो कोइंसाइड ना होती, ठीक है, कोइंसाइड ना होती, तो मतलब हो सकता है कि एक इधर और एक इधर बन जाए। तो जो एसिमेट्री वाला फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है, सिमेट्री के लिए, फॉर सिमेट्री, ठीक है। और एसिमेट्री होती यानी कि जब ये एंगल इक्वल ना होते तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला, तो उस टाइम पे फॉर्मूला होता है हमारे पास 360 by θ, ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें डायग्राम से भी पता चल गया कि इसका लॉजिक क्या है, ओके, इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए। लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा कारगर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए इसके अंदर क्या है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने कहा कि मैंने दो मिरर्स को लगा दिया 60 डिग्री पे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने 30 पे, तो सिमेट्री आ गई तो इसमें कितनी इमेज बनेगी, तो आंसर आया 360 by θ - 1 दैट इज़ 5 इमेजेस, ठीक है, 5 इमेजेस बनेंगी। लेकिन अगर मैं इसको 360, इस एंगल को 70 डिग्री ले लूँ, कि ये एंगल हमारे पास 70 डिग्री है और हमने इसको 35 पे जचा दिया, तो हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, 360 by θ - 1, लेकिन ये तो कट ही नहीं रहा, ठीक है, क्या इमेजेस कभी पॉइंट्स में आ सकती है, आप ये मत सोचना इसमें कि जो पॉइंट्स में आ रही है उसकी इंटेंसिटी कम होगी, ये फॉर्मूला इंटेंसिटी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा कारगर नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले को तभी लगा सकते हैं जब हमारा जो नंबर है, जो एंगल है, वो आराम से डिवाइड हो जाए, ओके। तो
अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए किसी और एंगल का तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए एक बार उन क्वेश्चंस को समझते हैं। तो हमें उसके लिए एक बार इस ट्रिक को या फिर यूँ कहें कि इस डेफिनेशन को या इस फॉर्मूले को एक बार समझना है। ओके, तो ये फॉर्मूला है कि व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर एट एनी एंगल, अगर वो दो प्लेन मिरर किसी पर्टिकुलर एंगल पे है, वो जीरो ना हो, यानी कि दोनों आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो, ठीक है, तो जितनी भी इमेजेस बनती हैं और जो ऑब्जेक्ट है सभी के सभी मिलाकर एक सर्कल के ऊपर आएंगे, ठीक है। ऑल द इमेज फॉर्म्ड बाय देम विल लाई ऑन अ सर्कल, ठीक है, उस सर्कल के ऊपर आएंगे जिसका सेंटर क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर। तो हमारे पास एक मिरर ये था, एक मिरर ये था, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस सर्कल का सेंटर, एंड ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का उस पॉइंट के साथ, अच्छा इसमें ये डिस्टेंस अलग अलग भी हो सकते हैं, हमने जो पहले एग्जांपल लिया उसमें सिमेट्री ली थी ना, एक्स और वाई लिया था, लेकिन ये वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इंटरसेक्शन पॉइंट इज द रेडियस, और जो डिस्टेंस है ये वाला, ये रेडियस होगा। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्स पर है तो यहाँ पर इमेज भी एक्स पर बनेगी, यहाँ से ऑब्जेक्ट वाई पर है तो यहाँ पर इमेज भी वाई से बनेगी। अब ये वाली जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इस मिरर के लिए, तो उसकी वजह से यहाँ पर इमेज बनेगी, तो कितने डिस्टेंस पर बनेगी, जितना डिस्टेंस ये था तो ये भी एक्स से बनेगी, और इसी तरह से ये वाली जो इमेज यहाँ थी वो इसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो यहाँ बनेगी। और हमने यही सीखा था कि दो इमेज आपस में इंटरसेक्ट कर जाती है। देखिए इसमें क्या है कि रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, और हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो वो क्या हुआ, सिमेट्री लाइन हो गई ना। तो सिमेट्री में हमारे पास एंगल क्या होते हैं, फॉर्मूला क्या था, 360 बाय थीटा माइनस 1, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको थोड़ा और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास एक केस है जब हमारे पास दो मिरर 60 डिग्री पे लगा रखे हैं, ठीक है। जैसा हमने अभी पढ़ा कि सारी की सारी जो इमेज है वो सर्कल के ऊपर ही आएंगी, तो हमने सर्कल पहले ही बना लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि आपको बताना है इसमें कितनी इमेजेस बनेंगी, ठीक है। हमारे पास रूल क्या था कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का उतना ही डिस्टेंस इमेज का, तो सेम चीज़ हम एंगल में भी लगा सकते हैं, जितना एंगल ऑब्जेक्ट बना रहा है उतना ही इमेज ही बनाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले, ये हमारे पास मान लेते हैं मिरर नंबर 1 है, ये जो ब्लू वाला है, और ये जो पिंक कलर का है इसको हम मान लेते हैं मिरर नंबर 2, रेडिश पिंक जो है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करें, ऑब्जेक्ट यहाँ है, मिरर यहाँ है, पहले वाले को भूल जाइए, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो इमेज किधर बनेगी, यहाँ से 30, तो यहाँ से भी 30 पर, ठीक है। तो ये तो बन गई इमेज नंबर 1, ठीक है। इमेज नंबर 1 किसकी बनी है, ये बनी मिरर नंबर 1 की, ठीक है, पता लगा, ठीक है जी। हम इसको सिमेट्रिकली एक बार यहाँ पर बढ़ा देते हैं, उसके बाद इस मिरर की बात करते हैं, ये मिरर ऑब्जेक्ट के साथ कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, तो इधर भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री पे, चाहे पूरा 60 है या 90 है तो 30 ही होगा। तो यहाँ पर क्या बनी, इमेज नंबर 2, ये किसकी वजह से बनी है, ये है मिरर 2 के लिए, ओके। दो इमेजेस बन गई हमारे पास, उसके बाद देखते हैं, अब हमें पता है कि ये पहली इमेज किसकी है, पहले मिरर की, ये वाली इमेज क्या है, फर्स्ट इमेज है मिरर 2 की, मिरर 2 की फर्स्ट इमेज है ना। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट इमेज है मिरर 1 की वो सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, ठीक है। ये हमने शुरू में सीखा था कि फर्स्ट इमेज मिरर की सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास मिरर है इस तरह से, यहाँ तक पूरा है तो यहीं तक, लेकिन हम इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता है देखो लाइट रिफ्लेक्शन तो करना ही है, बहुत सारी रेज़ हैं हमारे पास। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, ये यहाँ से कितने एंगल पर है मिरर के साथ, 60 और 30 90, तो यहाँ से भी कितने एंगल पर होना चाहिए, 60 और 30 90। तो ये हमारे पास 30 था, ये हमारे पास 60 है, तो हमारे पास यहाँ पर एक इमेज बनती है, ये इमेज कौन है, मिरर 2 की सेकेंड इमेज हो मिरर 2, ठीक है, ये चीज़ पता लगी। अच्छा दूसरी बात, हमें पता है कि जो मिरर 2 की पहली इमेज है वो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, ठीक है। तो ये वाली जो इमेज है ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो मिरर के साथ एंगल ऑब्जेक्ट का 90, तो इमेज का भी कितना होगा, 90, तो इसकी इमेज यहाँ पर बन जाएगी, तो दिस विल बी द I24 फर्स्ट मिरर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि जो सेकेंड इमेज होती है मिरर की
वो थर्ड इमेज हो, वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है दूसरे मिरर के लिए, उसकी थर्ड इमेज का कारण होती है, यानी कि सेकंड इमेज ऑफ मिरर नंबर वन विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर नंबर टू। ठीक है, तो ये जो इमेज है ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, यानी कि ये मिरर कितना है अपने पास, ये M2 है, और मिरर के साथ इसका कितना एंगल बन रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एंगल इसका बन रहा है। ठीक है, मिरर के साथ यही ऑब्जेक्ट का एंगल बन रहा है, तो ये है 60, ये है 90, कितना हो गया 150 हो गया। तो अगर इस तरफ 150 है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। तो चलिए हमें इस तरफ 150 एंगल पे चलना है, तो ये तो 90 है ही हमें पता है, ये 90 और 30 120 हो गया, तो हम यहाँ पे सिर्फ 30 डिग्री पर आ जाते हैं। तो अगर हम इसको बनाएं तो ये कुछ इधर की तरफ ऐसे आएगा और ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो 30 और 90 120 और 30 150, तो यहाँ पर अपने पास इमेज नंबर 3 आ गई, किसकी वजह से, मिरर नंबर 2 के लिए आ गई ना। ठीक है, पता लगा, चलिए जी। उसके बाद हमने क्या सीखा था, इमेज नंबर 2 जो है, जो हमारे पास इमेज नंबर 2 है मिरर 2 की, वो फर्स्ट मिरर के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। फर्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, इमेज 2, तो ये फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट है। तो ये एंगल कितना, मिरर के साथ ये एंगल कितना है, तो ये हमने निकाला था 30 और ये है 90, तो 120 आ गया, तो इस तरफ भी 120 होना चाहिए, तो ये 90 और ये 30 था तो ये 60 बच गया। तो यहाँ पर ये जो इमेज बनी वो आ गई I3 फॉर मिरर नंबर 1। ठीक है, अब हमारे पास बताइए कितनी इमेज बन रही है, तो इमेज बन रही है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल इमेजेस कितनी बनी, 5 बनी। ठीक है, हम इसको फॉर्मूले से करके देखते हैं। फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि 360 बाय थीटा माइनस 1, क्योंकि हमने सिमेट्री पे रखा है, 30-30 पे रखा है, तो कितना आएगा 360 बाय 60 माइनस 1, कट रहा है 6 माइनस 1 दैट इज़ 5। अभी भी हमारे पास 5 इमेज ही आया है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कई बार इसमें ऐसे डायग्राम दिया होता है, इमेज I1, I2, I3, I4, I5, और कहा जाता है कि ये वाला एंगल बताओ, वट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। आप उसको इस फॉर्मूले से नहीं बता पा सकते, आपको उसके लिए ये रे डायग्राम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये रे डायग्राम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम नंबर ऑफ इमेजेस निकालते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एज यूजुअल वी नो कि इसकी भी ट्रिक है, तो चलिए हम उस ट्रिक को देखते हैं। पहले एक बार आप इसको नोट कीजिए, चलिए उसको देखते हैं। हमारे पास क्या है, दो मिरर है, पहला मिरर है M1, दूसरा मिरर है M2, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, पहली इमेज कहाँ बनी थी, देखो 30 डिग्री पे बनी थी, दूसरी इमेज कहाँ बनी थी, वो भी 30 डिग्री पे बनी थी। ठीक है, अब पहली इमेज के बाद ये दूसरी इमेज कहाँ बनी थी, तो ये बनी थी इस एंगल पे, 30 और 60 90। तो हमने क्या करना है, इसका जो एंगल है, पहले हम डिस्टेंस को जोड़ते थे, अब हम एंगल को जोड़ेंगे, तो 30 60 90, उसके बाद 150, उसके बाद 150, उसके बाद 210 और उसके बाद 210। अगर ये एंगल 180 से ज़्यादा हो जाए, अगर ये एंगल 180 से ज़्यादा हो जाए तो आपको वहीं पे रुक जाना है। ठीक है, सो नो नीड टू प्रोसीड फर्दर, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ही हमारे आंसर हैं। तो इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3, एक इमेज, दो इमेज, तीन इमेज यहाँ बन रही है, 1, 2, 3, टोटल इमेज कितनी बन गई, 6 इमेज बन गई, लेकिन हमारा आंसर कितना आया था, 5। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कौनसाइड कर रही है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौनसाइड कर रही है या नहीं कर रही, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पता लगा 6 इमेज कैसे बनी। ठीक है, अब हमने देखा था कि ये जो है इसके साथ कौनसाइड कर रही है और ये इसके साथ कौनसाइड कर रही है। कौनसाइड देखने के लिए हमें क्या चाहिए, डायग्राम चाहिए। हम चाहते हैं इसको बिना डायग्राम के करना, तो उसका ट्रिक क्या है अपने पास कि आप उसको क्या देखो, जो लास्ट के एंगल हैं या फिर फाइनल एंगल यू कैन से, तो फाइनल एंगल ऑफ मिरर 1 प्लस फाइनल एंगल ऑफ मिरर 2 प्लस एंगल बिटवीन टू मिरर्स। ठीक है, फाइनल एंगल ऑफ मिरर 1 प्लस फाइनल एंगल ऑफ मिरर 2 प्लस एंगल बिटवीन टू मिरर, अगर इन सब का सम 360 आ जाता है तो इसका मतलब कौनसाइड कर रही है। ठीक है, इसका मतलब
कोइंसाइड कर रही है। अब देखो इसमें जो एंगल 90 डिग्री है ये किसका एंगल है, ये वाला एंगल है फर्स्ट इमेज का। इसकी जो फर्स्ट इमेज है ये यहाँ से 90 डिग्री पे बन रही है, इसकी जो फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड इमेज जो है वो थर्ड इमेज यहाँ से 150 पे बन रही है, ठीक है ना। तो हमें इसको चेक करना है कि क्या इनका सम 360 आ रहा है क्या। तो पहला एंगल उसका कितना है 150, उसका पहला एंगल 150, लास्ट एंगल फाइनल एंगल जो है, और एंगल बीच में कितना है 360। तो 150 360 आ गया, तो इसका मतलब कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, पता चला इसको। चलिए एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके। हमारे पास ये एग्जांपल है, हमारे पास दो मिरर रखे हैं 30 डिग्री पर, ओके, और हमने इसको एसिमेट्री के लिए रखा है। तो एसिमेट्री के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 360 बाय थीटा, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 360 बाय 30 आएगा, यानी कि आंसर आएगा 12। तो चलिए चेक करते हैं हमारे तरीके से 12 आता है या नहीं आता, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मिरर के लिए पहली इमेज 10 डिग्री पे बनेगी, और इसके लिए पहली इमेज 20 डिग्री पे बनेगी, और मिरर के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, एंगल्स को ऐड करते चले जाते थे, ठीक है। चलिए तो एंगल को ऐड करना शुरू करते हैं। एंगल को ऐड कीजिए कितना आएगा 40, यहाँ पर कितना आया 50, यहाँ पर कितना आया 50 और 30 80, 70, 100, सॉरी 50 और 30 80, और यहाँ पर 110, यहाँ पर 110 से 140, यहाँ पर 130, यहाँ पर 170, यहाँ पर 180, 180 पे तो हम रुक जाते हैं, ठीक है। चलिए चेक करिए, इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3, इमेज नंबर 4, इमेज नंबर 5, इमेज नंबर 6, 6 इमेज यहाँ, टोटल इमेज कितनी आ रही है, टोटल इमेज इज इक्वल्स टू 12। लेकिन क्या ये कोइंसाइड कर रही है या नहीं, तो चेक करते हैं। तरीका क्या था, लास्ट वाले एंगल प्लस दोनों एंगल का, दो मिरर के बीच का एंगल है, तो 180 प्लस 170 प्लस 30, तो 180 और 180 360 हो जाते हैं, तो ये 380 आ रहा है, तो नॉट कोइंसाइडिंग, ठीक है। इस तरह से हम दो मिरर्स के बीच के एंगल्स को निकाल सकते हैं कि कितनी इमेजेस बनेगी, चाहे किसी भी एंगल पे आ जाए, आप इसमें अपनी तरफ से कोई भी डाटा ले लीजिए। चलिए एक बार दो तीन क्वेश्चन और करते हैं। चलिए हमारे पास एक एग्जांपल और है, दो मिरर हैं हमारे पास 80 डिग्री पर, हमने उन दोनों मिरर को रखा है, और ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह से रखा है कि पहला जो मिरर है मिरर वन के साथ उसका 30 डिग्री बने, और मिरर टू के साथ 50 डिग्री बने, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितनी इमेजेस बनेगी। चलिए इसको फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला क्या था, 360 बाय 80, क्या सिमेट्री पे है, सिमेट्री पे तो नहीं है, क्यों 40-40 होता है ना उस पे, तो हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 36 बाय 8, ये आएगा 4 के टेबल पे कटेगा तो 2, यहाँ पर 9, तो 9 बाय 2, दैट इज़ 4.5 इमेज बनेगी। पॉइंट्स में तो आ नहीं सकता आंसर, क्या इंटीजर आता है, हमेशा इंटीजर होना चाहिए ना। चलिए तो हम इसको इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं M1 के लिए पहली इमेज यहाँ से 30 डिग्री पर बनेगी, M2 के लिए पहली इमेज यहाँ से 50 डिग्री के लिए बनेगी, ठीक है, और बीच में एंगल कितना है 80, तो इसकी अगला कितना आएगा 110, यहाँ से कितना आएगा 130, यहाँ से इसको 130 में 80 ऐड करोगे तो कितना आएगा 210, और यहाँ से ऐड करोगे तो 190, ये लो ये तो ख़त्म हो गया, क्यों 180 से ऊपर तो जाने नहीं चाहिए। तो कितनी इमेज बनी, 1 2 3 4, आंसर कितना आया 4 इमेजेस, ठीक है, कोई डाउट इसमें। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस कीजिए, आप अपनी तरफ से कुछ एंगल लीजिए और उसके बीच में कितनी इमेजेस बनेगी उनको निकालने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।